राम राम भाई साहब भाइयों ना, आशा करता हूँ भी आप सभी अच्छे होंगे और दिन दुनी रात भाई चौगुनी कर रहे होंगे भाई सभी ठीक है, और आपके घर परिवार में भाई सब कुशल मंगल से होंगे। तो मित्रों, जैसे कि आप सभी को याद होगा कि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी भाई, जो नरेंद्र राणा के और चरणजीत राणा के जो मैंने कंपेरिजन किया था, तो उस टाइम लोगों ने मुझे कहा कि भाई तुम तो भाई नरेंद्र राणा के सपोर्टर हो और भाई चरणजीत राणा के विरोधी हो। तो मैंने भाई उनको बोला था, साफ लहजे में बोला था, शब्दों में बोला था, भाई ना तो मैं नरेंद्र राणा का सपोर्टर हूँ और ना ही मैं चरणजीत राणा के विरोधी हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, तो मेरे लिए भाई दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं तो भाई गांव में भी बहुत ही कम रहता हूँ, ठीक है, तो मेरी बात इतनी ज़्यादा मायने भी नहीं रखती, बट गांव का एक नागरिक तो मैं स्टिल हूँ भाई, ठीक है, नहीं एक जिम्मेदार नागरिक तो मैं बनता हूँ ना। ठीक है, तो इसलिए ही भाई मैंने अपने विचार रखे थे, तो उसी कड़ी का आज भाई ये दूसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता है भाई काफ़ी टाइम हो गया भाई चरणजीत राणा को बने हुए, एक्चुअली 6-7 महीने हो गए होंगे, आई थिंक यस। तो भाई 6-7 महीने भाई उनको बने हुए हैं, मुझे आशा है कि भाई वो अच्छे तरीके से भाई काम कर रहे हो गाँव में, गाँव की सफाई वगैरह, गाँव की प्रगति में भाई वो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है भी वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक है, और युवाओं युवा काफ़ी युवाओं भाई उनके साथ हैं। ठीक है मित्रों, वैसे तो गांव में भी काफ़ी समस्याएं हैं भाई, स्पेशली सफाई की, पानी की, जो पानी का निकासी की भाई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, बट भाई सरपंच भी अकेला क्या करेगा, क्योंकि गांव के नागरिकों को भी समझना पड़ेगा ना भाई, आप लोग कहाँ पर कूड़ा फेंक रहे हो, नाले में ही गोबर बहा रहे हो, ऐसे ही पानी चलाना चला के छोड़ रहे हो, पानी को वेस्ट कर रहे हो गांव में, ठीक है, इतना सारा पानी वेस्ट होता है इस मॉर्निंग टाइम में जब भी ड्यूटी आती है। तो मैं गांव के नागरिकों से भी ये भी बात करना चाहूँगा, यदि आप पानी का यूज नहीं कर रहे हैं तो कृपया जो नल है जो टूटी है उसको बंद कर दें, आप पानी ख़राब ना कीजिए, पानी को सेव कीजिए, क्योंकि धरती से जो पानी निकल रहा है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। अभी आप ऐसे बह रहे हो, पानी को ऐसे बहा रहे हैं, ठीक है, वेस्ट कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में जो पानी की कीमत है ना, आप बहुत ज़्यादा कीमत होगी पानी की, ठीक है, क्योंकि पानी पीने के लायक है नहीं इतना लोगों के, पानी का जो स्तर है, जो लेवल है, दिन पर दिन वही कम होता जा रहा है जमीनी पानी का। ठीक है, तो गांव के नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य बनता है भाई, वो अपने गांव को भाई साफ सफाई रखने में भाई सहयोग करें, खाली सरपंच का ही सहयोग नहीं है, सरपंच का ही ड्यूटी नहीं है भाई। ठीक है, तो आप लोग भी वही समझें। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्रों दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब आज ये, मेरे जो वीडियो बनाने का आज मतलब है वो ये है कि मैं कुछ समस्या है भाई, ठीक है, गांव से के रिलेटेड भी और मेरी भी वही समस्या है, जो मेरी कॉलोनी है, मतलब जहाँ पर भाई मैंने अपने मकान बना रखे हैं नए वाला, और मेरा प्लाट भी वहीं पर है भाई। ठीक है, तो उस गली में क्या है कि भाई वो सड़क अभी कच्ची है, ठीक है, और ना ही उस गली में भाई सीवरेज है। ठीक है, एक तो गली कच्ची होगी, दूसरा भाई सीवरेज भी नहीं है। ठीक है, तो मैं भाई चरणजीत राणा भाई जो गाँव के सरपंच है भाई, ठीक है भाई, इस समस्या की तरफ उनका ध्यान भाई खींचना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, कृपया करें, कृपया करके भाई, ठीक है, कृपया करके भाई जो वो सीवरेज है भाई वहाँ पर बनाया जाए, और जो गली है भाई वो बना दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई पूरे गांव में और कहीं भी जो गली है भाई वो कच्ची होगी इस टाइम, इस वक्त। ठीक है, मुझे पता है कि भाई जो मेरे वाली गली है, जो मतलब जहाँ कॉलोनी वाली जो गलियाँ जहाँ पर मैंने अपने मकान में रखे, वो पूरी में मिट्टी ने डली हुई है, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने तो भाई मिट्टी डलवा रखी है, जहाँ तक मेरा मकान है, जहाँ तक मेरा मकान की सीध है, प्लाट की सीध है, वहाँ तक भी मैंने मिट्टी डलवा रखी है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से भाई यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई चरणजीत राणा से, भाई उस गली को भाई पक्का करवा दीजिएगा और भाई उसमें सीवरेज दबा दीजिएगा, क्योंकि भाई उस कच्ची गली के कारण भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्या है, और भाई काफ़ी कई बार तो भाई लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं वहाँ पर भाई। ठीक है, तो कृपया इस समस्या की तरफ भाई बिल्कुल वे एक बार देखें, ठीक है, समस्या का समाधान करने की भाई बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करें, और मुझे आशा है भाई वो एक अच्छे इंसान है भाई, वो इस समस्या का भाई
सॉल्यूशन भाई जरूर निकाल लेंगे और उस गली का निर्माण भी जल्द से जल्द भाई कराएंगे। ठीक है, तो मैं तो भाई यही एक एक्सेप्टेंस करता हूँ, मेरी थी आशा मित्रों। और इस वीडियो के अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा भाई, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना भाई मैं किसी का विरोधी हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ साल पहले मैं नरेंद्र राणा जी के पास भी गया था, जब मेरा इटली में भाई सिलेक्शन होता योग के थ्रू, उन्होंने भी कोई मेरी मदद नहीं की थी भाई। ठीक है, तो मेरे लिए भाई सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे मैंने कभी उनसे मदद मांगी भी नहीं है। ठीक है, ना वो दिन आएगा भाई। ओके मित्रों, अच्छा रही भाई चरणजीत राणा की, मैंने भाई कुछ काम था तो वो इन्होंने भी नहीं कर पाए, वे ये भी नहीं कर पाए थे, तो मेरे लिए भाई दोनों बराबर ही हैं भाई। ठीक है, तो जस्ट मैं तो एक गाँव के नागरिक होने के नाते, क्योंकि वो गांव के सरपंच है भाई। ठीक है, तो एक नागरिक का भी भाई ये कर्तव्य कि वो जो गांव की समस्याएं हैं भाई उसकी तरफ उनका ध्यान दिलाएं। तो इसलिए भाई मैंने स्पेशल वीडियो भाई उन्हीं के लिए बनाई है। और मित्रों, इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा मैसेज भाई जो सरपंच साहब तक पहुँच जाए और जो भाई मेरी समस्याएं हैं वो उसका समाधान हो जाए। मुझे नहीं पता दूसरे कॉलोनी वाले भाई क्या करते हैं क्या नहीं, ठीक है, क्या वे उन समस्या का भाई समाधान बोला नहीं बोला, बट मैं इतनी दूर से बैठा हूँ भाई, उनसे लास्ट में एक बार फिर भाई रिक्वेस्ट करूँगा कि उस गली का भाई जो समाधान है वो जरूर निकाले, वहाँ पर सीवरेज उस गली को पक्का करा दीजिएगा। ठीक है, और आने वाले टाइम में और भी मैं जो भी गाँव का विकास होगा उनकी मैं वीडियो जरूर बनाऊँगा और गाँव वालों को भी दिखाऊँगा भाई, हाँ हमारे गाँव में भाई चरणजीत राणा के टाइम में भी इतना विकास हुआ है। ठीक है मित्रों, तो अंत में अपनी भाई वाणी को ये विराम दूंगा। तो ठीक है मित्रों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और मिलता हूँ भाई एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, सभी को भाई राम राम, मेरे भाई ग्रामवासियों को नमस्ते भाई सभी का।